Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. तो प्लेयर प्रोफाइल में आज मैं आपको बताऊंगी उस क्रिकेटर की कहानी जो एक्चुअली क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, यूजी चहल। हम सब के प्यारे यूजी चहल, चेस में इनका इंटरेस्ट था और बाद में कैसे क्रिकेट में लैंड हो गए, वो पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। कैसे आज युजवेंद्र चहल, जो कभी क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं थे, चेस से उन्होंने शुरुआत की, करोड़ों भारतीयों की वो उम्मीद बन गए हैं कि ये खिलाड़ी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता कर लाएगा। यूजी चहल की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कैसे चेस मास्टर से स्पिन मास्टर बन गए युजवेंद्र चहल। टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों को जहन में रखते हुए इनमें से एक फैसला रहा वर्ल्ड क्रिकेट में कुलचा की जोड़ी को अलग करने का। एक वक्त था जब कुलचा की जोड़ी भारत की ताकत थी, लेकिन अब इस जोड़ी का एक ही खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना सकता है। ऐसे में कुलचा यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से अब सिर्फ एक सदस्य चहल T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और चहल अपनी गेंदों से जलवा दिखाते नजर आएंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कैसे एक चतुर चालाक शतरंज खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया। टीम इंडिया के धाकड़ स्पिनर चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता के चहल वकालत का काम करते थे, जबकि माता सुनीता देवी घर का काम काज संभालती थी। चहल के भाई बहनों की बात करें तो परिवार में उनकी दो और बड़ी बहनें हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। जबकि चहल की पढ़ाई के बारे में देखा जाए तो उनका इसमें बहुत कम मन लगता था। उन्होंने जिंद के ही DAVC पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और महज 7 साल की उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया। चहल ने क्रिकेट से नहीं बल्कि शतरंज की बिसात पर तेज दिमाग और चतुराई से विरोधियों को मात देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते लोग उन्हें चेस मास्टर कहने लगे थे। 10 साल की उम्र में चहल ने राष्ट्रीय स्तर पर साल 2002 में चैंपियनशिप भी जीती थी। साल 2006 अगर देखा जाए तो शतरंज के इस चैंपियन के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। जब शतरंज खेलते हुए उन्हें स्पॉन्सर मिलना बंद हो गए, तब चहल ने गेम चेंज करने का प्लान बनाया। चहल ने आर्थिक समस्या से निपटने के लिए क्रिकेट का दामन थामा और शतरंज की चालों का इस्तेमाल उन्होंने क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजों को पानी पिलाने के लिए शुरू कर दिया। इसका आलम ये रहा कि चहल की मेहनत रंग लाई और उन्हें अंडर 14 हरियाणा राज्य की टीम में जगह मिल गई। अपनी स्पिन गेंदबाजी और पैनापन लाते हुए चहल ने पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साल 2009 में मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू किया। इसके बाद चहल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चहल का नाम पहली बार तब सामने आया जब साल 2011 में उनका चयन मुंबई इंडियंस की टीम में हुआ। हालांकि 2011 IPL सीजन में चहल को मुंबई में सिर्फ एक मैच खेलने को मिला। इसके बाद चहल साल 2014 की IPL नीलामी में RCB में आ गए। चहल ने RCB में नया मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चहल RCB के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बन गए। चहल ने RCB के लिए IPL में कहर बरपाना जारी रखा। इसका नतीजा ये रहा कि 18 जून 2016 को हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला। साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में 6 विकेट लेकर उन्होंने अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। तब से लेकर अब तक 68 T20 चहल अपने नाम कर चुके हैं और उनके नाम 84 विकेट है। जबकि वनडे करियर की बात करें तो उसी साल 2016 में चहल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच खेला और फिर कभी टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए। चहल अभी तक 67 ODI में 118 विकेट ले चुके हैं। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।